नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। जब मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता, तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी के स्टार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी आज पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने गौरव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन है गौरव वल्लभ और आखिर उनका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ना पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। गौरव वल्लभ की गिनती कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में होती थी। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक थे गौरव वल्लभ। साल 1977 में जन्मे गौरव मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के पीपाड़ गांव के रहने वाले हैं। उनकी उच्च शिक्षा पाली के बांगड़ कॉलेज से हुई। गौरव की प्रतिभा कॉलेज के दौरान ही दिखने लगी थी। कॉलेज की शिक्षा में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके अलावा डिबेट जैसी प्रतियोगिताओं में भी गौरव को कोई पछाड़ नहीं पाता था। जमशेदपुर के XLRI कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके गौरव की गजब की तर्कशक्ति और लोकप्रियता के चलते बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंप दी थी। गौरव वल्लभ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से एक टीवी डिबेट के बाद पूरे देश में चर्चा में आए थे। दरअसल एक हिंदी चैनल पर बहस के दौरान संबित पात्रा 5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। इस बहस में उनके सामने मौजूद गौरव वल्लभ ने उनसे पूछ लिया कि 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं। संबित पात्रा ने इस पर गोलमोल जवाब देते हुए अंग्रेजी में कहा कि ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए। सितंबर 2019 को एयर हुआ ये वीडियो तुरंत ही इंटरनेट पर छा गया था। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की ओर से दिसंबर 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में गौरव वल्लभ को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से तत्कालीन सीएम और बीजेपी उम्मीदवार रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया गया था। गौरव वल्लभ ने पिछले साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवादों में भी खुलकर स्टैंड लिया था और अशोक गहलोत के समर्थन में बयान दिए थे। चुनावी करियर की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गौरव वल्लभ को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रघुवर दास के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने 18,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके साथ ही साल 2022 में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के इलेक्शन कैंपेन को संभाला था। वे पार्टी के अंदर आर्थिक मसलों पर मजबूती से बात रखते आए हैं। वे 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उदयपुर सीट से मैदान पर उतरे थे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद्र जैन ने 32,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हरा दिया था। गौरव वल्लभ ने 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्व से पहली बार चुनाव लड़ा था। बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा, मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं जिसके बारे में मैंने कांग्रेस पार्टी को समय समय पर अवगत कराया है, वो अपने इस्तीफे में लिख दी हैं। मेरा शुरू से ये दृष्टिकोण रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।